हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में। आज की रेसिपी होने वाली है स्मोकी चिकन कलेजी, जो कि ये हमने थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाई है और ये खाने में बहुत ही चटपटी ये डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं स्मोकी चिकन कलेजी। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी लिया है और उसमें मैंने 3 बड़ी इलायची डाल दी है और ये अदरक लहसुन का 1 से 2 चम्मच मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को जब हम इसमें अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे, फिर इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब ये हमने ये जो चिकन की कलेजी है इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और अब इसको हम इस पानी में डाल के हमें बॉयल करना है। तो जब हम इस पानी में इस कलेजी को, चिकन की कलेजी को बॉयल करेंगे, तो इसका जितना भी ये स्मेल है, ये ब्लड है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके हमें पूरे पीसों को ही ये कुक करना है। अब ये देखिए हमारी कलेजी अच्छे से कुक हो गई है, तो इसके बड़े बड़े ही पीस रखने हैं, छोटे पीस अभी नहीं रखने हैं। तो ये देखिए पूरे ये बड़े बड़े पीस हमारे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब जब ये कुक हो जाएंगे तो फिर इसका सारा पानी निकाल लेना है हमें, और जब ये पानी हमारा निकल जाएगा तो फिर हमें एक जाली रखना है गैस में और उसके ऊपर ये सारी कलेजियों को धीरे धीरे करके हमें ऐसे फैलाना है और इसको इसमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इसे हमें जाली में सारी कलेजियों को अच्छे से दोनों साइड से सेकना है। तो ये देखिए अब ये एक साइड से अच्छे से ये कलेजी सिक गई थी, तो अब हम इसको पलट देते हैं तो दूसरे साइड से भी इन सारी कलेजियों को अच्छी तरीके से हमें सेक लेना है। तो इससे इसमें कलेजियों में अच्छी तरीके से स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो जब ये दोनों साइड से देखिए अब ये अच्छे से सिक गई हैं, तो अब इसको हम ना अलग एक जगह रखते जाते हैं। तो मैंने ये एक चॉपिंग बोर्ड में ये सारी कलेजियाँ रख दी हैं, तो ये सारी कलेजियों को हम रख देंगे और उसके बाद में ऐसे ही जो और हमारी जो कलेजियाँ बचेंगी तो उनको भी हमें ऐसे ही सेकना है। तो अभी हम ये सारी कलेजियाँ निकाल लिए हैं, अब दोबारा हमने जो हमारी कलेजी बच चुकी थी चिकन की, तो उनको भी हमने सब ऐसे ही सेक लिया है। अब उसके बाद फिर हमें इन सब कलेजियों को चॉप करना है, तो अपने साइज़ मतलब जिस साइज़ के आपको चाहिए तो उस साइज़ के हिसाब से आप इन कलेजियों को कट कर लीजिएगा। तो मैंने अपना मीडियम साइज़ की कलेजी कट कर ली है। तो ऐसे सारी कलेजियों को हम जब कट कर लेंगे, फिर उसके बाद में एक बॉल में ये सारी कलेजियों को हमें डाल देना है। अब इसमें हमें एक चटपटा सा एक मसाला बनाना है, तो सबसे पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कुटी लाल मिर्च डालिएगा। और उसके बाद में फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया है, अब इसमें मैंने ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और फिर इसमें चाट मसाला अच्छे से आप इसमें ऐड कर दीजिएगा और फिर ये होममेड गरम मसाला इसमें ऐड कर दीजिएगा और ये मैंने ये गार्लिक पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद में इसमें नींबू का रस आप खूब अच्छे से 4-5 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसको डालने के बाद में फिर इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ती ऐड कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा चटपटा चाहिए तो फिर उसमें आप चॉप की हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर सकती हैं, मैंने इसमें नहीं डाली है, आप उसमें डाल सकती हैं। तो फिर अब इन सबको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा और जब ये अच्छे से मिक्स करके रख दीजिएगा साइड में, फिर इधर हमने एक बाउल में इसमें हमने सरसों का ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया था, अब उसको गर्म करके फिर इस कलेजी में ऊपर से हमें डालना है और इसको डालने के बाद में अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें कलेजी थोड़ा सा देसी स्टेप में बना रहे हैं, इसलिए सरसों का ऑयल आप यूज़ कीजिएगा, इससे इसमें कलेजी में अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब ये देखिए हमारी सब हमने मिक्स करके अब इसको रख दिया है। अब इधर इसके लिए हम एक प्याज बनाते हैं, मसाले वाली चटपटी प्याज, तो हमने ये रिंग से काट लिए थे और एकदम चिल पानी में आपको उन सारे प्याजों को डाल देना है। तो मैंने एकदम चिल पानी में और इसमें जिसमें आइस क्यूब हो उनमें डाल के 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा। अब इन सारी प्याज़ों को फिर पानी से आप निकाल लीजिएगा।
अब जब उसके बाद में प्याज जब निकल जाएंगी तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड कीजिएगा और चाट मसाले के बाद में इसमें नमक ऐड कीजिएगा और नमक के बाद में फिर इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से 2 से 3 चम्मच नींबू का रस मिलाइएगा और फिर चम्मच की हेल्प से इन सबको अच्छी तरीके से ये मिक्स कर लीजिएगा और सारी प्याज को इस मसाले में मिला लीजिएगा। तो ये जब आप मिक्स हो जाएंगे सारे मसाले में ये आपकी प्याज, तो इसमें ये बहुत ही चटपटी प्याज बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। अब चलिए हम लोग ये कलेजी सर्व करते हैं। तो एक प्लेट में मैंने ये सारी चटपटी जो हमारी चिकन की कलेजी है स्मोकी फ्लेवर की, इनको मैं अच्छे से लगा ली हूँ। इधर ये हमने ये जो प्याज बनाया था मसालेदार चटपटे, तो ये क्रंची से प्याज हमारे बन के रेडी हैं, तो इनको भी हम लोग साथ में सर्व करते हैं। तो अब ये देखिए हमारी स्मोकी फ्लेवर की चिकन कलेजी बनकर रेडी हो चुकी है और साथ में ये मसालेदार चटपटी, ये प्याज के छल्ले भी, ये दोनों चीज़ें साथ में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इसको एक बार आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा।